टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम में राउंड ऑफ को अनदेखा करते हुए वाउचर को ऑटोमेटिक रूप से रिकंसाइल करने की प्रक्रिया को समझेंगे। अपने व्यवसाय में आपने अपने टैक्स लेजर्स या किसी अन्य लेजर्स में जो टैक्स योग्य है राउंडिंग पद्धति लागू करने का विकल्प चुना होगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सप्लायर ने राउंडिंग पद्धति को लागू करने का विकल्प न चुना हो। एक अलग परिदृश्य में आपके सप्लायर ने लेजर में राउंडिंग पद्धति लागू करने का विकल्प चुना होगा। हालांकि आपने राउंडिंग पद्धति लागू नहीं की है। इसके अलावा राउंडिंग पद्धति भिन्न हो सकती है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर या सामान्य राउंडिंग। और भले ही राउंडिंग पद्धति एक ही हो, फिर भी राशि में अंतर हो सकता है। ऐसे मामलों में विक्रेता द्वारा जीएसटी पोर्टल पर बताई गई राशि और बही खाते के बीच बेमेल होगी। आइए जीएसटीआर 2B रेकंसिलिएशन रिपोर्ट देखें। Alt G दबाएं। टू बी टाइप करें और GSTR 2B रिकॉन्सिलिएशन खोलें। यदि आवश्यक हो तो अवधि बदलने के लिए F2 दबाएं। मिसमैच से नीचे ड्रिल करें। मिसमैच्ड वाउचर यहाँ है। वापस जाने के लिए Escape दबाएं। अब आइए देखें कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि राशि में अंतर को नजरअंदाज किया जाए। Alt G दबाएं। Alt Master का चयन करें। GST रजिस्ट्रेशन टाइप करें या चुनें और Enter दबाएं। GST डिटेल स्क्रीन में F12 दबाएं। इग्नोर डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज को सक्षम करें। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। इग्नोर डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज के विकल्प को यस पर सेट करें। उदाहरण के लिए मूल्य में 2 रुपये तक के अंतर की अनुमति दें। एप्लीकेबल फॉर गू के अंतर्गत टैक्सेबल टैक्स और इनवॉइस अमाउंट चुनें। आइए बही खाते में मूल्य के अंतर को नजरअंदाज करें जब किताबों में मूल्य ग्रेटर और लेसर देन पोर्टल वैल्यू हो। प्रभावी तिथि दर्ज करें। और सेव करने के लिए कंट्रोल A दबाएं। GST रजिस्ट्रेशन मास्टर में GST डिटेल्स को सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। अब GSTR 2B रेकंसिलिएशन रिपोर्ट खोलें। Alt G दबाएं। टू बी टाइप करें और GSTR 2B रेकंसिलिएशन खोलें। प्रभावित वाउचर को स्वीकार करने और अपडेट करने के लिए Y दबाएं। यदि आवश्यक हो तो अवधि बदलने के लिए F2 दबाएं। आप देख सकते हैं कि वाउचर रेकंसाइल्ड अनुभाग के अंतर्गत है। जैसा कि आपने टैली प्राइम में देखा, आप राउंड ऑफ को अनदेखा करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बही खाते और पोर्टल मूल्यों में अंतर वाले वाउचरों का रिकंसाइल किया जा सकता है। इससे आपको ऐसे वाउचर बेमेल नहीं लगेंगे और इससे समय की भी काफी बचत होगी, क्योंकि आपको उन्हें पहचानने और मैनुअल रूप से रिकंसाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
नवीनतम वीडियो के लिए टेली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।